बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़मुरा दवान और आज आपके साथ हमने पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो डिस्कस करना है। इस वक्त सबसे पहली खबर तो ये है और आपको जैसे कि पता है पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जिस बड़ी तादाद के अंदर लोग घरों से बाहर निकले हैं वो अनप्रेसिडेंटेड था और उस पर जितना भी अवाम का शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। उन्होंने ये बता दिया है कि अवाम माइनस नहीं हो सकती। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट्स बहुत डिले के बाद आए, अनप्रेसिडेंटेड डिले के बाद, जो कि बड़ी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाना चाहिए थे। 7-8 बजे तक लोग ये बताना शुरू कर देते हैं कि कौन सी पार्टी लीड में जा रही है, जो कि सुबह 11 बजे तक नहीं पता चल रहा था। उस तरीके से पता तो चल रहा था लेकिन कंफर्म रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर्स रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे सुबह 12 बजे तक, विच वॉज इंडिकेशन ऑफ क्लियर ब्लैटेंट धांधली। डॉक्टर फारूक असनाद से ये पूछना है कि डॉक्टर फारूक असनाद, आपके ख्याल में धांधली किन किन तरीकों से की गई है? देखिए, जो तारीख का सबसे बड़ा धांधली हुई है पाकिस्तान में इस वक्त, शर्मनाक, इससे मैंडेट लोगों का चुरा लिया गया है। ये लोगों की इंसल्ट है, लोगों के हकूक पे डाका डाला गया है और लोगों की इज्जत नफ्स पे हमला किया गया है। उनको ये बताया गया तुम इंसान नहीं हो, तुम कीड़े मकौड़े हो, हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, हम तुम्हारे साथ खेल तमाशा कर सकते हैं, तुम्हें हम कुचल सकते हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं। इसका रद्द अमल बहुत शदीद आएगा, खतरनाक आएगा। अब ये जिनको हुकूमत दे रहे हैं, उनको बना रहे हैं, इनसे इन्होंने डील की हुई है जिसको लंदन प्लान कहते हैं, ले दे कि पैसे की वीक होगी जरूर बात इसमें, तो उनको जब हुकूमत देंगे, हुकूमत लेना एक बात है, इस तरह चुरा के डाका मार के वक्ती तौर पे, लेकिन हुकूमत चलाएगा कौन? चलाना कोई आसान काम होता है हुकूमत जब लोगों का मैंडेट ही आपके पास ना हो और आप इंटरनेशनली और नेशनली आपकी लेजिटिमेसी सिफर हो, आप कैसे हुकूमत चला सकते हैं? और जो इनको पुष्पनाई करने वाले हैं वो अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये इनके पास वक्त था कि ये इलेक्शन के नतज मान लेते और हुकूमत बनने देते पीटीआई की और उनके साथ बातचीत करके, जैसे हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन इन्होंने रास्ता चुना है अवाम के साथ जंग का, अवाम के साथ लड़ाई का, अवाम के साथ कुचलने का, जिसके नतज न सिर्फ मुल्क के लिए खतरनाक होंगे बल्कि इनके अपने अदारे के लिए भी नहायत खतरनाक होंगे।